global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. अशोक मंडल मेरा भाई जो पंडित है, आज तक इसने ना नॉनवेज खाया है ना कभी। इसने ऐसा सोचा कि मैं एक, अगर टिकटॉक जैसा ऐप था तो वैसा एक ऐप मैं लेके आऊं हिंदुस्तानियों के लिए। तो इसने वो प्लान करके इसको खड़ा किया, बहुत पैसा लगा इन लोग ने, बहुत मेहनत की और ऐप को खड़ा किया। फिर इन लोग ने मुझे फ़ोन किया कि एजाज भाई, हम आपको लेना चाहते हैं क्योंकि यूथ आपको फॉलो करता है और बहुत सारे आपने टिकटॉकर्स को और इनको भी हेल्प किया है। तो मैंने बोला यार, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरा भाई मेरे को अगर लेना चाह रहा है। और गाना सुना, गाना बहुत अच्छा गाया है ऋषभ टंडन और उन लोग ने नया, बहुत अच्छा गाना है। प्लस फिर सारे इन्फ्लुएंसरों को बुला के यहाँ पे शूट करना, हमने 20-20 मिलियन वालों को नहीं लिए, लेकिन जिसका 1 मिलियन, 2 मिलियन, जिसका जिसको कोई मतलब, टिकटॉक बंद होने के बाद उनको, लोगों को भूल गए कि टिकटॉक के जब 10-12 स्टार है उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, जो 20-25 लोग हैं उनको ही लिया जा रहा है हर जगह पे, तो बाकी के लोगों का क्या। तो इसलिए मैंने और अशोक ने डिसाइड किया कि हम इन लोगों को बुला के इनको सपोर्ट करेंगे, न्यू डांसर्स जितने भी है। अभी तो ये हमारा एक गाना, हम और शूट करेंगे जिसमें हम और लोगों को लाएंगे, क्योंकि अलाउड नहीं है 100 से ज़्यादा लोग शूट पे, और सारे हमको वो देखना पड़ता है कि कैसे हम शूट करें। मेरे को लगता है कि ये टिकटॉक से बेहतर ऐप होगा इंशाल्लाह। क्या खास था, यूएसपी क्या होगा इसका, जैसा आपने बताया इन्फ्लुएंसर्स को आपने बुलाया यहां पे जिनका बहुत। देखो, टिकटॉक था दुश्मनों का, अपना ज़िपज़ॉप आया, तो ये इसका सबसे बड़ी बात है कि चाइना के सारे ऐप बंद हो रहे हैं, चाइना के माल बंद हो रहे हैं, उसी तरह हमारा तुम लोग आपस में इतना लड़ते हो यार मीडिया वाले, मतलब देश की तो मतलब खुद ही। हैप्पी बर्थडे टू इंडिया। हाँ पूछो, अब सवाल पूछो, सवाल ही भूल गए हम तो। ज़िपज़ॉप के बारे में जानना चाहूंगा, क्या पर्टिकुलर यूएसपी होगा जो अलग बनाया गया इसको? क्योंकि ज़िपज़ॉप का यूएसपी मैं हूँ यार, इससे बड़ा यूएसपी कहाँ मिलेगा तेरे को। और सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये हिंदुस्तानी ऐप है, इंडियन ऐप है, इंडिया के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, छोटे छोटे गाँव से, यहाँ से, वहाँ से ला के अशोक, और इसमें कॉइन्स। बोल ना अशोक, कुछ बोल। जी, इसमें जैसे कि नीचे लेवल के लोग जो रहते थे वो लोग मेहनत तो करते थे बट उनको कुछ मिलता नहीं था। इसमें पर डे अगर वो लोग मेहनत करने के बाद 100, 200, 300, 400, 500 रुपए भी पर डे कमा सकते हैं तो उनका घर चल सकता है, जो गरीब लोग, नीचे लेवल के लोग जो होते हैं। इसलिए हमने सोचे कि कॉइन्स अपन न्यू। इसमें बेसिकली क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको, कि उसमें क्या होता था, जब वीडियो मिलियंस मारते थे तो कुछ पैसा नहीं मिलता था टिकटॉक से तुम्हें, वो खाली व्यूज मिलता था। इसमें अगर तुम्हें मिलियंस में व्यू आ रहे हैं और इसमें तुम्हें कॉइन भी मिलते रहेंगे, पैसा भी आता जाएगा, कि जैसे घर में अभी बच्चे लोग 10-15 हज़ार रुपये महीना, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना तुम कमाना चाहते हो कमा सकते हो, तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारे कंटेंट पे, तुम्हारे जो क्रिएट करते हो उस पे तुम्हारा डिपेंड करता है, और मेहनती बच्चे चलेंगे इसमें। सबका सुनने में आया कि भाई ऐसा है, वैसा है, वैसा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसा कभी है, दिलदार इंसान है। मैं जब जिस दिन गया उसी दिन ही बोल दिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर। तो भाई मुझे भी अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा सपोर्ट दिए, और हम तो इतने बड़े इंसान नहीं है जो बड़े लेवल के। जो फिलहाल कॉम्पिटिटर कौन रहेगा, अभी काफ़ी सारे क्रिएट हो रहे हैं, इंडिया की बात कॉम्पिटिटर मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ।
क्योंकि बहुत सारे तो आ रहे हैं अभी चाइना, जब से टिकटॉक बंद हुआ है तो अभी हम भी ला रहे, देखते हैं मेहनत के ऊपर है। और आप देखिए कंटेंट क्रिएट करने वाले एक एक मिनट में आपका दिल के अंदर छू जाए ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो लोग। और म्यूजिक वीडियो भी साथ में आया है, उसके लिए मैं जानना चाहूंगा। मेरा एक म्यूजिक वीडियो आज ही पोस्टर रिलीज हुआ है टी सीरीज से, पल पल 26 को आने वाला है। इट्स अ लव सॉन्ग, बहुत ही अच्छा गाना है, शादाब सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया है और टी सीरीज ने मुझे मौका दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ भूषण कुमार और किशन कुमार का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ टी सीरीज का। आफ्टर कोरोना दिस इज माय बिगेस्ट सॉन्ग, सो आपके बारे में मैं ये बोलूंगी कि एजाज भाई इसमें ब्रांड एम्बेसडर बने और ये ऐप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, लेकिन सिर्फ उसमें मिलियन जो व्यूज मिलते थे लोगों को, बट यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के बाद में आपको मिलियन व्यूज भी मिलते हैं, आपको प्रॉफिट भी मिलता है। और लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं है कि जितने लोग फेमस होते थे उन लोग को ही काम मिलेगा यहाँ पे, बाकी सारे लोगों को भी मौका मिलेगा यहाँ पे, न्यू लोगों को। आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आपने बनाया किसी प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियोस या किस तरह से इंडस्ट्री में आई, वो बताइए। मैंने यहाँ पे मॉडलिंग शोज किया है, मैंने अभी कोई एक्टिंग किया नहीं है, बट हाँ अभी एक्टिंग करने का मौका मिला है तो मैं जरूर करूंगी यहाँ पे अभी। आप क्या समझते जी, ये नया ऐप जो आया ये प्लेटफॉर्म है पूरे लोगों के लिए और टैलेंट के लिए, यहाँ पर लोग अपना कंटेंट बना के अपलोड करेंगे तो वो वायरल होगा, मतलब इट्स अ गुड थिंग। टिकटॉक बंद हो गया उसकी वजह से तो सारा टैलेंट चला गया, दे आर ऑन अनदर एप्स एंड सो ये जो जिपजॉप आ रहा है आप लोग देखिएगा, इट्स गोना लॉन्च सून। अभी जो मेरा बड़ा भाई एजाज खान इज माय एल्डर ब्रदर, सो ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन दिस ऐप, सो यू शुड सी आफ्टर लॉन्चिंग। बहुत कुछ अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, जितना सीखा है उन्हीं से सीखा है और अभी भी हाँ, इज एन ओशियन, दरिया, मतलब दरिया का कोई अंत नहीं होता, गहराई जाते ही जाओ सीख रहे।